हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा क्लास इक्वेशन ऑफ SN. SN में कैसे बताऊंगा S3, S4, S5 की क्लास इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. तो मैंने SN के बारे में आपको बताया था कि दो कॉम्बिनेशन जब आपस में सिमिलर होते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं फ्रेंड. तो बस उसी का यहाँ पर यूज होगा. और SN के लिए देखिए, जो क्लास इक्वेशन होती है वो पार्टीशन से लिंक होती है, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे वही उसकी क्लास इक्वेशन होती है. तो हम उसी तरह वर्क करेंगे यहाँ पर फ्रेंड. तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस पार्टीशन देखना होता है. मैं अगर यहाँ पर S3 की बात करता हूँ, एक मैंने स्टार्ट किया इन S3. अगर मैं यहाँ पर S3 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर S3 के पार्टीशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन लाइक क्लास इक्वेशन ऑफ S3 जो होगी मेरे पास, क्लास इक्वेशन ऑफ S3 होती है वो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ S3. तो बस हमें कुछ नहीं करना है, पार्टीशन निकालने हैं, खत्म. यहां पर क्लास इक्वेशन SN में तो सबसे सिंपल है, SN से सिंपल मुझे नहीं लगता कहीं पर होगी. तो SN में बस कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टीशन निकालने हैं S3 के. तो पार्टीशन कितने होते हैं इसके देखा जाए S3 के, तो आप देखेंगे 3 होता है, एक मेरे पास 1 2 होगा, एक मेरे पास 1 1 1 होगा. अब देखिए 3 टाइप के, लाइक मतलब कि 3 ऑर्डर के मेरे पास कैसे एलिमेंट होंगे, मेरे पास ए बी सी ऐसे होंगे एलिमेंट. यहां पर मेरे पास क्या होगा, एक फिक्स होगा बी सी, यहां पर क्या होगा 3 फिक्स होंगे ए बी सी. तो भाई अब मुझे क्या करना है कि क्लास इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबकी अलग अलग देखूंगा, क्लास ऑफ ए बी सी देखूंगा, लाइक क्लास ऑफ ए बी सी मतलब इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप की एलिमेंट क्लास ऑफ एबीसी में कौन से एलिमेंट आएंगे, क्लास ऑफ एबीसी में कौन से एलिमेंट आएंगे. तो मैंने आपको बताया था SN में हमेशा इसके सिमिलर आते हैं, मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर देखता हूं, क्लास ऑफ लाइक ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एबीसी, तो ये होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन विच आर कॉन्जुगेट टू एबीसी, मतलब वो उतने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगी जो मेरे पास एबीसी के कॉन्जुगेट होंगी, जो मेरे पास एबीसी के कॉन्जुगेट होंगी, या मैं बोल दूं लाइक सिमिलर टू एबीसी. तो मैं ये चीज ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन विच आर सिमिलर टू एबीसी, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ परम्यूटेशन विच आर कॉन्जुगेट टू एबीसी. तो बस हमें कुछ नहीं करना होगा, इसके सिमिलर मुझे देखना है, जो मेरे पास होंगी इसके सिमिलर होंगी, लाइक मैंने आपको बताया था इसके सिमिलर जो भी साइकिल डिकम्बोशन, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास सेम साइकिल डिकम्बोशन होगा वो हमेशा क्या होगी, कॉन्जुगेट होगी. तो वो मैंने हालांकि बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि सेम साइकिल डिकम्पोशन होगी अगर, तो वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे. तो इसकी क्लास में कौन से आएंगे भाई, सेम साइकिल डिकम्पोशन, मतलब कि 3 ऑर्डर वाले, लाइक 3 साइकिल वाले ही आएंगे. और 3 साइकिल वाले होते कितने हैं, 3 साइकिल वाले होते कितने हैं मेरे पास, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n फैक्टोरियल लाइक 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power alpha 1. तो मेरे पास 1 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा इनटू 1 फैक्टोरियल, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा. तो यहां पर 3 लेंथ की साइकिल, मेरे पास 3 साइकिल वाले कितने एलिमेंट होते हैं, मेरे पास 2 एलिमेंट होते हैं, S3 मैंने आपको बताया भी था. 2 लेंथ की साइकिल वाले मेरे पास कितने होते हैं, देखिए अगर यहां पर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power 1, 2 to the power 1 एंड 1 factorial 1 factorial. तो ये मेरे पास क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 3 आएगा. तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं मेरे पास, 3 होते हैं, मतलब 2 साइकिल के कितने एलिमेंट होते हैं. तो भाई 2 साइकिल के मतलब ये सेम साइकिल होगी हमेशा, सेम साइकिल हमेशा कॉन्जुगेट होती है, आपस में सिमिलर होती है, मैं ये भी बोल सकता हूँ फ्रेंड. तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर 2 साइकिल के 3 एलिमेंट होंगे मेरे पास. तो यहाँ पर मैं अगर मैं ये इसका क्लास ऑफ एबीसी का ऑर्डर लिखूंगा, तो मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विच आर कॉन्जुगेट टू एबीसी, तो कितने ऐसे परम्यूटेशन मिलेंगे मुझे, 2 मिलेंगे, मुझे 2 मिलेंगे. तो क्लास ऑफ एबीसी क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा. इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा. इसी तरह अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए बी सी मेरे पास फिक्स है, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा फ्रेंड. मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो इसके कॉन्जुगेट है, जो इसके सिमिलर है, जो इसके सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है, देखिए तीनों वर्ड आते हैं, सेम साइकिल डिकम्पोजिशन होना चाहिए,
तो सिमिलर हो जाएगा और फिर वो दोनों आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे SN में, अगर मैं बात करूं तो। तो यहां पर ऐसा ही होता है फ्रेंड। तो यहां पर क्लास ऑफ ए बी की क्लास में कौन से आएंगे, जो इसके सेम साइकिल डीकम्पोजिशन होंगे। तो सेम साइकिल डीकम्पोजिशन कौन से होंगे, ए बी होगा, लाइक जैसे कि मैंने बताया था। तो एग्जाम्पल से अगर मैं बताता हूं, तो एस थ्री में मेरे पास कैसे एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2। तो मेरे पास क्या है 1 2 3 1 3 2। तो आप देख सकते हैं ये सेम साइकिल डीकम्पोजिशन, मेरे पास दो एलिमेंट मिले। तो क्लास ऑफ एबीसी, क्लास ऑफ 1 2 3 की क्लास में केवल दो एलिमेंट आएंगे मेरे पास, मैंने आपको करके बताया था। क्लास ऑफ 1 2 क्लास में मेरे पास तीन एलिमेंट आएंगे 1 2 2 3 1 3, और मेरे पास क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्लास में ओनली वन आएगा। तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी मेरे पास क्या होगा, क्लास ऑफ 1 जो होगा मेरे पास, लाइक आइडेंटिटी क्लास में ओनली मेरे पास आएगा बनाएगा फ्रेंड। तो इसको अगर मैं क्लास इक्वेशन में लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एबीसी प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एबी प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ई। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फ्रेंड। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं एस थ्री को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा फ्रेंड, एस थ्री को अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा लाइक ऑर्डर ऑफ एस थ्री इक्वल्स 1 + 2 + 3, लाइक ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ई प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए बी प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए बी सी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फ्रेंड। तो मेरे पास ऐसा हो गया। तो ये एस थ्री का हो गया। इसी तरह अगर मैं एस फोर की बात करूं तो एस फोर का भी आप अपने आप से लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, पहले पार्टीशन करना है। एस फोर का आप अपने से भी लिख सकते हैं अभी, और अभी मैं बताऊंगा भाई। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या करना है, पार्टीशन करने हैं। तो एस फोर के पार्टीशन कितने होते हैं, अगर मैं एस फोर की बात करूं पार्टीशन, हाँ तो देखिए पार्टीशन कैसे करते हैं, 4 फिर मेरे पास होता है 1 3, फिर होता है 1 1 2 1 1 1 1, और फिर मेरे पास 2 2 1 2 3 4 5 होते हैं। 4 के पार्टीशन मेरे पास 5 होते हैं और 5 के 7 होते हैं। तो देखिए 4 ऑर्डर का किस टाइप का एलिमेंट होगा, मेरे पास ए बी सी डी टाइप का होगा। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ए बी सी टाइप का होगा, डी फिक्स होगा। यहाँ पर मेरा किस टाइप का होगा, ए बी, मतलब किसी तरह ले लो आप, मतलब साइकिल किस टाइप की होगी। यहाँ पर होगा सी डी, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास सारे आइडेंटिटी होंगे ए बी सी डी, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास ए बी सी डी। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, इसकी क्लास में कितने एलिमेंट होंगे, लाइक इसकी क्लास में क्लास ऑफ ए बी सी डी क्या आएगा, तो जितने इसके कॉन्जुगेट होंगे, जितने एलिमेंट इससे कॉन्जुगेट होंगे, इसका मतलब क्या है, जितने एलिमेंट इससे सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे मतलब सेम साइकिल डीकम्पोजिशन, 4 लेंथ की जितनी साइकिल होगी वो आएंगे मेरे पास। इसी तरह यहां पर भी देख लेते हैं फ्रेंड, 3 साइकिल की जितनी होंगी मेरे पास वो आएंगे, वो इसके सिमिलर होंगे, वो इसके कॉन्जुगेट क्लास में आएंगे। देखो तीनों बातें सेम है, यहां पर तीनों बात सेम है कि सेम साइकिल डीकम्पोजिशन है अगर तो कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट होंगे तो सिमिलर होंगे, तो सिमिलर है तो कॉन्जुगेट होंगे, सेम साइकिल डीकम्पोजिशन, तो यहां पर सेम साइकिल डीकम्पोजिशन वाले आएंगे। इसी तरह 2 ऑर्डर वाले आएंगे, ऐसी साइकिल वाले आएंगे। देखिए मैं ऑर्डर नहीं बोल रहा हूं अभी मैं ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ऑर्डर फेल कर जाएगा। देखिए ये देखिए इसका ऑर्डर 2 है और यहां भी 2 है ऑर्डर, लेकिन यहां पर साइकिल डीकम्पोजिशन कुछ और है और यहां पर कुछ और है, यहां पर साइकिल डीकम्पोजिशन और है, यहां पर कुछ और है। तो इसकी साइकिल डीकम्पोजिशन में अलग एलिमेंट आएंगे और इसकी साइकिल डीकम्पोजिशन में अलग एलिमेंट आएंगे। तो यहां पर कॉन्जुगेट जो होंगे ना एलिमेंट, यहां दूसरे होंगे, यहां दूसरे होंगे फ्रेंड। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर भी इसी तरह, ये तो आइडेंटिटी है, ओनली वन आएगा। तो क्लास ऑफ, देखें ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एबीसी अगर मैं निकालूंगा, ए बी सी डी, तो इसकी क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, मैंने बोला है जितने इसके कॉन्जुगेट होंगे एलिमेंट, जो एलिमेंट इससे कॉन्जुगेट होंगे। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट लाइक जितने एलिमेंट इस टाइप के होंगे उतने ही आएंगे, जितने एलिमेंट इस टाइप के होंगे उतने ही सारे क्लास में आ जाएंगे, क्लास ऑफ इसकी क्लास में आ जाएंगे। तो इसका मतलब वो कितने होंगे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power alpha 1 2 to the power alpha 2 एंड सो ऑन, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो भाई यही तो हम निकाल रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन लाइक 1 to the power alpha 1 2 to the power alpha 2 3 to the power alpha 3 एंड सो ऑन, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लाइक अल्फा 3 फैक्टोरियल। तो यार ये आप देख सकते हो कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्लास ऑफ एबीसी का जो ऑर्डर निकलेगा ऐसे ही तो निकलेगा, क्लास ऑफ एबीसी का जो मेरे पास एबीसीडी का ऑर्डर निकलेगा कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। ऐसे क्यों निकलेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के मेरे पास एलिमेंट कितने होंगे, तो हम कैसे निकालते थे,
इस टाइप के मेरे पास एलिमेंट कितने होंगे, मतलब ऐसी साइकिल डीकंपोजिशन के एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास, तो हम निकालते थे n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1 टू द पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन। और वही मैं बोल रहा हूं कि वही सारे क्लास में आ जाएंगे, वही सारे एबीसीडी की क्लास में आ जाएंगे। तो भाई उसका ऑर्डर क्या होगा, यही तो होगा मेरे पास, जितने एलिमेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एबीसीडी मेरे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1 टू द पावर अल्फा 2 3 टू द पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। तो भाई क्लास ऑफ अगर किसी भी एलिमेंट को मुझे निकालना होगा ना, मैं इसका यूज करूंगा, बस और कुछ नहीं। तो अब देखिए एबीसीडी क्लास मुझे निकालना है n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन मेरे पास क्या होगा 1 टू द पावर 1 वन लेंथ की मेरे पास एक भी साइकिल नहीं है, तो लाइक 1 लेंथ की मेरे पास एक भी साइकिल नहीं है, 2 लेंथ की भी नहीं है, 3 की भी नहीं, 4 की पावर 1 * 1 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6 हो जाएगा फ्रेंड। तो 4 ऑर्डर के मेरे पास कितने 6 एलिमेंट होते हैं, वो सारे एक ही क्लास में आ जाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह मैं इसका निकालूंगा फ्रेंड। तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं, जैसे कि हम ये सब कर चुके हैं। क्लास ऑफ एबीसी के क्या, n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर 1 की साइकिल एक ही है, 1 टू द पावर 1, 2 की साइकिल नहीं है मेरे पास, 3 की पावर 1 * 1 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल लगाना ना भूलें, ये जो लगा हुआ है ना इसको लगाना मत भूलें, नहीं तो गलती कर देगा आपको, ये मिस्टेक होगी आपसे, मैंने बताया भी था आपको। तो 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 4 * 3, 3 से 3 कैंसिल, 8 हो जाएगा मेरे पास। मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फ्रेंड, इस टाइप के मेरे पास कितने मिलते हैं, ये 2 की साइकिल है मेरे पास। थोड़ा इसको भी दिखा देता हूँ, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए बी और ये सी डी टाइप के, इस टाइप का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 लेंथ की साइकिल कितनी है, भाई 1 लेंथ की साइकिल मत भूलें, मैंने आपको बताया था 1 की पावर 2 कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अल्फा 1 क्या है मेरे पास, 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर जब मैं सॉल्व करूंगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो 6 आ जाएगा। तो इस टाइप की साइकिल मेरे पास कितने होंगे, 6 होंगे। इस टाइप की साइकिल मेरे पास ओनली 1 होगा, इस टाइप की मेरे पास कितने साइकिल होंगे, इस टाइप के 3 होंगे आप निकालेंगे। तो इसके मेरे पास क्लास इक्वेशन क्या आएगी, S4 की क्लास इक्वेशन क्या आएगी, मैं अगर यहां लिखना चाहूंगा तो ऑर्डर ऑफ S4, इसको से मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ E प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ AB प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ABC प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ABCD और प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ABCD। तो ये मेरे पास ऐसे आएगा फ्रेंड, S3 की क्लासिफिकेशन। अब आप देखेंगे इसके क्या है, 1 है, इसके में क्या है मेरे पास, 2 ऑर्डर के कितने आ रहे थे, 2 ऑर्डर के मेरे पास कितने आ रहे थे, लाइक 6 आ रहे थे, मतलब इस टाइप के साइकिल मेरे पास 6 आ रहे थे, प्लस इस टाइप के मेरे पास कितने साइकिल थे, 3 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के मेरे पास निकले थे 8, तो यहां पर 8 आ जाएगा। 4 ऑर्डर के लाइक इसके कितने थे मेरे पास, 3 थे, इसके कितने थे मेरे पास, 6 थे। तो ये मेरे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी S4 की। तो ये इतना इजी है फ्रेंड, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा इजी S4 है, मतलब SN की क्लासिफिकेशन निकालना, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत आराम से निकलती है, बस आपको पार्टीशन करना है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखने, तो ये S4 की निकल जाएगी फ्रेंड। तो यहां मैंने ये S4 के बारे में बताया, S3 के बारे में बताया, और S4 के बारे में आप निकाल सकते हो फ्रेंड। तो मैंने ये यहां पर बताया, थैंक्स।